आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल के अंदर स्लाइसर। मतलब अब जो हम चीजें इस्तेमाल करने जा रहे हैं आपके साथ, ये चीजें सिर्फ 2013 के ऊपर, 13, 16 और 10 के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। 2007 है, उससे लोअर वर्जन में चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं स्लाइसर, मतलब कि ग्राफिकल फिल्टर्स की। मान लीजिए कि हमने यहां पे इंसर्ट में क्या, और हमने पिवट टेबल लगाया, जनरली जो हम लगाते हैं, और मान लीजिए कि हमने यहां पे अपने पिवट बनाए, जैसे मैंने परफॉर्मेंस स्कोर वाइज मैंने हेड काउंट एंड बाकी जो चीजें होती है वो चीजें हमने यहां पे रखी है, ठीक है। अब बात है कि मुझे इसको डिपार्टमेंट वाइज देखना है। डिपार्टमेंट वाइज मतलब कि मैं ये भी क्या है कि ओवरऑल मैं चाहता हूं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, तो हम लोग डिपार्टमेंट या जो भी है उसको फिल्ट्रेशन में रखते हैं, और फिर यहां से हम इसको फिल्टर लगाते हैं। जैसे हमने आईटी को सिलेक्ट किया तो यहां पे चीजें आ गई। तो इस तरह से हम आईटी सेल्स आरएनडी इस तरह सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हमारा रिजल्ट यहां पे आता है, राइट। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा ये है, मतलब कि पुराना बोल है, हम इसको ग्राफिकल इंटरफेस देना हो तो उस केस में हम पिवट टेबल के एनालाइज में जाते हैं और यहां पे इंसर्ट स्लाइसर, स्लाइसर इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हम डिपार्टमेंट ले लिए, हम यहाँ पे सीक डे ले लेते हैं, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे ले लीजिए एंड ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ से फिल्टर हो गया। अब यहाँ जो करेंगे हम आईटी करेंगे, सेल्स करेंगे, आरएनडी करेंगे, तो यहाँ एक फायदा और है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि सिक डे में जो अकाउंटिंग के अंदर में सिक्स नहीं है तो ये हाईलाइट नहीं है, ठीक है, जो कि फिल्टर में हमें नहीं पता चलती। तो इस तरह के बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल पिवट के लिए। मान लीजिए कि मुझे अपने पिवट के ऊपर, जो पिवट आपका दिख रहा है, इस पिवट के ऊपर कुछ एनालिसिस करने हैं। जैसे सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट वाइज हेडकाउंट चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में क्या हेडकाउंट है, हर डिपार्टमेंट की सैलरी चाहिए, हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी चाहिए, एवरेज बोनस, एवरेज ओवरटाइम चाहिए एंड मंथ, मुझे मंथ वाइज चाहिए। तो मुझे इस तरह से कई सारे कैटेगरी, मैंने क्या इससे हम पिवट निकल लगाना है, हमको मैं एक रिपोर्ट बने ना, एक रिपोर्ट बनाना है पिवट टेबल। तो हमने सेलेक्ट करके ओके किया, तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट निकाल दिया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हेड काउंट, ठीक है। उसके बाद मुझे दूसरा पिवट यहां लगाना है, तो दूसरा पिवट लगाना है तो इसको वापस आप कर सकते हैं पिवट टेबल, और यहां एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाके आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो तो पिवट लग जाए। लेकिन ध्यान रखें कि अगर एक सीट पे दो पिवट लगा रहे हो तो पहला पिवट को कंप्लीट करने के बाद लगाइएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें चेंजिंग करूंगा, अगर कॉलम चेंज होगा तो इस पिवट टेबल को ओवरराइट करेगा, ठीक है। इसमें मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, डिपार्टमेंट और यहां पे हमने टोटल सैलरी कर लिया, ठीक है। सैलरी डबल क्लिक करेंगे तो सैलरी का सम आ जाएगा। उसके बाद सेम अब मुझे और चाहिए, तो हर बार वहां पे जाके करना है, तो उससे बेटर है कि आप पिवट को कॉपी कर दें। पिवट को कॉपी भी करेंगे तो पिवट का क्रिएट होगा, ठीक है।
पूरे पेपर को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो सैलरी बोनस और इसका ओवर टाइम चाहिए, और यहां पे मैं इसको एवरेज कर देता हूं, एवरेज एवरेज, और इसका भी हमने एवरेज कर दिया, एवरेज आ गया राइट। वैसे तो मुझे मंथ वाइज टोटल चाहिए, तो मैं एक बार और इस पीवर्ड को सेलेक्ट करता हूं, कॉपी करता हूं और इसको पेस्ट करता हूं, और यहां पे डिपार्टमेंट को हटके ऊपर रख देता हूं और मंथ को यहां रख देता हूं, चाहे मंथ को यहां रखता हूं और डिपार्टमेंट को सेव कर देता हूं। ये हो गई रिपोर्ट, हो गई क्या सर? अब बात हो गई कि फिल्ट्रेशन की, कि अगर मान लीजिए कि मुझे फिल्टर के हिसाब से देखना है मंथ आज से की परफॉर्मेंस को इस तरह से, तो हमने परफॉर्मेंस स्कोर को यहां रख दिया। अब मैं यहां पे मान लीजिए कि हमने परफॉर्मेंस को टू सेलेक्ट किया तो रिजल्ट आया, तो सिर्फ यही चेंज हुआ, बाकी चेंज नहीं। पहली दिक्कत ये हो गई कि मुझे अगर परफॉर्मेंस स्कोर देखना है तो हर को अलग अलग करके देखना पड़ेगा, एक ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए कि हम स्लाइसर भी इंसर्ट करते हैं एनालाइज में जाके, एनालाइज में गया और हमने इंसर्ट स्लाइसर, तो स्लाइसर में हमारे पास मान लीजिए कि हमने डिपार्टमेंट ले लिया, हमने सीपीए ले लिया, परफॉर्मेंस स्कोर एंड मंथ एंड कर दिया। अब मैं इसको यहां पे अपने हिसाब से अरेंज करता हूं, इसको अपने हिसाब से रिसाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे बड़ा है ना चौड़ा, काफी चौड़ा है तो थोड़ा सा कर दीजिए, छोटा हो जाएगा ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसको दो लाइन में करना तो आप इसको ऊपर कर दीजिए और थोड़ा सा चौड़ा। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ऑप्शन पे जाइए, तो यहाँ पे कॉलम टू कर दीजिए तो दो कॉलम में आ जाए, ठीक है। ऐसे नंबरिंग यहां पे दो कॉलम कर दिया और फिर इसको अपने हिसाब से छोटा कर देता हूं, और फिर इसको भी सेम दो कॉलम में, इसकी हाइट को कम किया और इसकी विड्थ को कम कर दिया, ठीक है सर। अब मैं अगर जैन पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ ये चेंज हो रहा है, यहां अभी भी जो है पूरा चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने फिल्टर को कनेक्शन नहीं किया, ठीक है। अभी भी हमारा फिल्टर कनेक्ट नहीं हुआ, तो फिल्टर कनेक्ट कैसे करें? तो दो चीजें हैं कि आप पहली बार जो स्लाइसर लगाएंगे उसको मतलब कि आप पहले ही एक पीवर्ड लगा के स्लाइसर लगा के फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे मैंने तो कॉपी पेस्ट किया सर, तो पीवर्ड बनाने एक पीवर्ड लगाइए उस पर स्लाइसर लगाइए देन उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए राइट। लेकिन नहीं किया आपने कॉपी पेस्ट तो उसके लिए हर पिवट पे क्लिक कीजिए और जाइए एनालाइज में, और यहां पे मिलेगा आपको फिल्टर कनेक्शन, फिल्टर कनेक्शन पे आइए और आप उसको अपने हिसाब से कनेक्ट कर लीजिए। जितने भी स्लाइसेस इंसर्ट किए हैं सब पे यहाँ लिस्ट आ जाएगा, सारे सबके लिस्ट पे आप इस तरह से क्लिक करें, ठीक है। ठीक है, और इस पे भी कर्सर रखा और हमने एनालाइज में गया फिल्टर कनेक्शंस और हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसकी मदद से देखिए, जैसे हम यहां आईटी पे क्लिक करते हैं तो पूरा रिपोर्ट आईटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आईटी में जनवरी चाहिए तो जनवरी का आएगा, समझे जी।
तो इस तरह से हम फिल्टर, अब समझ में आ गया? तो पिवट टेबल के अकॉर्डिंग जो हम डैशबोर्ड बनाते हैं इसी चीज से बनाते सर एक क्वेश्चन है इसमें, हैं। ये जो स्लाइसर है हमने जहां जिस शीट पे पिवट है उसी में बगल में लगाया है हमने ये सब, कहीं भी लगा सकते अगर हैं। जैसे ये शीट नंबर वन में मुझे स्लाइसर आप लगाना जैसे हो कि तो लगा देखिए, सकता आप हूँ। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एक्चुअली इसका एक और एग्जाम्पल, एक और चीज बताते हैं। और एक तो चीज बताने से पहले मुझे इस एनए को हटा देता हूं और पिवट को रिफ्रेश कर देता हूं, रिफ्रेश। अब मैंने क्या किया, सारे पिवट पे हमने चार्ट लगा दिया, पिवट चार्ट, जी और हमने एक समरी शीट बनाई यहाँ पे, एक डैशबोर्ड या समरी, मतलब डैशबोर्ड मान लीजिए, डैशबोर्ड समरी रिपोर्ट जो भी बनाना है। उसके बाद हमने पिवट को यहाँ पे जो तो चार्ट है, चार्ट को कट किया और कट करके डैशबोर्ड पे जाके अपने अकॉर्डिंग इसको फिट कर दिया। और ये जो परफॉर्मेंस स्कोर वगैरह आ रहा है ना, इसको राइट क्लिक करके हाइड ऑल फिल बटन ऑन चार्ट कर देंगे तो सारा हाइड हो जाएगा जो दिखता है पिवट। तो जी एक-एक करके हम सब पे इसी तरह से चार्ट बनवा लेते हैं, ठीक है? कट करते डैशबोर्ड पे, सॉरी वो पेस्ट हो गया, इसके बगल और इसको भी हाइड कर लो, ऐसे सब कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद इसके नीचे जो है दो बाकी है उसको भी कर देते हैं। कट, और यहां पे इसको पेस्ट, और राइट क्लिक, और फिर इसको भी राइट, इसको भी इंसर्ट, सॉरी कट किया। चार्ट दिया, जो स्लाइसर था उस सारे स्लाइसर को हम कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं और यहां से कट करें या कॉपी करें, दोनों कर सकते हैं, हम कट ही कर लेते हैं और जी यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर हैं। अब ये एक से ज्यादा भी तो सिलेक्ट कर मैं सकते यही हैं, पूछ रहा ठीक है? समझ में आया जी सर? जी जी बिल्कुल सर। अब हम आपको कुछ इसी पे बने हुए डैशबोर्ड्स हम आपको दिखाते हैं। ये कुछ पांच डैशबोर्ड है जो पिवट टेबल पे बने हुए हैं, देख रहे हैं? स्लो आ रहा है सर, अभी तक आया नहीं है। दिखा? जी। तो ये सारे रिपोर्ट्स मैं अभी आपको भेज रहा हूं, ठीक है? अब ये सारे रिपोर्ट जो मैंने बनाए हुए हैं वो आप बनाइए, ठीक है सर? जी सर। इसमें स्लाइसर्स टाइमलाइन का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं आपको ये भेज देता हूं मेल, आप उसको एक बार करिए।